आज मैंने पूड़ियाँ बनाई थी और पूड़ियाँ तो मेरी बन गई। और पूड़ी बनने के बाद मैं गैस बंद करना भूल गई और मेरी कढ़ाई की हालत ये हो गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरी कढ़ाई ख़राब हो गई, जबकि ये कढ़ाई ठीक ठाक थी, अच्छी थी। और ऐसा अक्सर हो जाता है कि कढ़ाई हम बंद करना भूल जाते हैं, गैस को, कढ़ाई जल जाती है। और कभी कभी दूध चाय भी इसी तरीके से भूल जाते हैं और बर्तन काले हो जाते हैं। अब ये कढ़ाई तो जल गई, इसको साफ भी करना है। तो आज मैं बहुत ही सरल सा एक ट्रिक लेकर आई हूँ, बिना पैसा खर्च किए और बहुत ही कम मेहनत में हम साफ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम गैस को ऑन करके और इसको पानी से फुल कर भर देंगे। ये सरल सी ट्रिक आप दूध के बर्तन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस कढ़ाई में यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको फुल भर देंगे और उसके बाद में पानी को गर्म होने देंगे। अब जैसे ही पानी गर्म हो जाए, हम इस तरीके से कोई स्पून लेंगे और इस तरीके से उसके तले में हम इस तरीके से घुमाएंगे। इससे पानी गर्म होने से इसकी जो जली हुई परत है वो ढीली पड़ जाती है और हटने लग जाती है। और इस तरीके से लेकर के जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पे हम इस तरीके से डाल सकते हैं। और इस तरीके से हम तले में इसको चलाएंगे तो देखेंगे हम थोड़ी देर में कि इसकी जो परत है हटने लग जाएगी। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ ढीली हो रही है उसकी जो सतह है, या जो इसका जो जला हुआ है वो जैसे ही इससे ढीला हो रहा है गर्म पानी करने से, और देखिए ये हटती जा रही है। और स्पून की सहायता से जहाँ पर पानी नहीं है हम वहाँ भी इस तरीके से डालते जाएंगे। और आप वीडियो को अंत तक देखिए, मैं एक बहुत ही सरल तरीके से बिना पैसे खर्च किए एक बेकार पड़ी चीज़ से इसको साफ करूंगी, बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। और ऐसा किस किस के साथ में कभी हुआ हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि किसके साथ ऐसा हुआ जिससे उनकी कढ़ाई या फिर दूध का बर्तन जल गया। तो देखिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से काफ़ी चिकनाई छूट रही है। अब देखिए, पानी अच्छी तरीके से बॉईल हो गया है और इसी तरीके से हम 5-6 मिनट बॉईल होने देंगे। और इसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इस पानी को हम ठंडा होने देंगे हल्का सा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ट्राई जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब पानी हल्का सा ठंडा हो गया है, देखिए, आप देख सकते हैं। और अब हम इस पानी को फेंक देते हैं। अब चलते हैं आगे की प्रोसेस पर। अब देखिए, मैंने पानी को फेंक दिया है और इसकी जो कालोची है काफ़ी ढीली हो गई है। देखिए, इस तरीके से खुरचने से खुरच रही है। अब हम लेंगे एक सैंड पेपर, और ये इस तरीके से बहुत ही सस्ते रेटों में आता है, 10-15 रुपए का। और इस तरीके से घरों में यूज़ करने के बाद में घर में पड़े रहते हैं, तो आपके पास अगर हो तो आप उसको ले सकते हैं। अगर आप इस तरीके से कोई बाजार से ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं, ये मुश्किल से 1-2 रुपए का पड़ेगा। आप इस तरीके से ले करके और इससे इसको साफ कर सकते हैं। और इस तरीके से सैंड पेपर से बहुत ही जल्दी साफ हो जाते हैं। तो देखिए, मैं यूज़ करा हुआ पड़ा था, उसी से साफ करती हूँ पहले। तो देखिए, इस तरीके से लेंगे और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे 5-6 मिनट रगड़ने के बाद में सारा एकदम से इसकी जो कालोची है हट जाएगी और एकदम से क्लीन हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से ज़रा सा रगड़ने पर देखिए कितना साफ़ हो गया है। आप चाहें तो इस तरीके से थोड़ा सा इसमें डिश वॉश लगा लीजिए, कोई साबुन वगैरह या कोई भी लगा लीजिए, जिससे भी आप बर्तन साफ़ करते हो तो ये चिकनाई एकदम से साफ़ हो जाती है। और जब कभी सैंड पेपर इस तरीके से यूज़ करने के बाद बेकार पड़े रहते हैं तो मैं उनको संभाल कर रख लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल हैं। अब देखिए, कढ़ाई इतनी गंदी हो गई तो थोड़ा बहुत तो इसे रगड़ना ही पड़ेगा। बस देखिए, बहुत ही कम मेहनत में एकदम से साफ़ हो जाती है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा है इसको, मुश्किल से घंटों का काम मिनटों में हो गया है। और थोड़ी सी मेहनत से कढ़ाई पहले जैसी हो गई, आप देख सकते हैं। आप इस तरीके से देख सकते हैं, देखिए काफ़ी साफ़ हो गई है, देखने में ही लग रही है ना, बस थोड़ा सा रगड़ने से साफ़ हो गई है। देखिए, इस तरीके से पहुँच कर दिखाती हूँ, देखिए काफ़ी साफ़ हो गई है। हालांकि मेरी कढ़ाई जो पुरानी थी, पर मैं बर्तनों को काला नहीं रखती हूँ, बहुत ज़्यादा साफ़ करके रखती हूँ। इस तरीके से मेरी हमेशा बर्तन चमचमाती रहती हैं। और देखिए, आप देख सकते हैं कढ़ाई जैसे पहले थी वैसे ही हो गई। अब बस हम सूखे कपड़े से आपको पहुँच कर दिखाती हूँ, देखिए एकदम से साफ़ हो गई। थोड़ा सी मेहनत तो लगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। जिस तरीके से जल गई थी उस तरीके से इसमें सैंड पेपर की सहायता से मेहनत ज़्यादा नहीं लगती है। आप इस ट्रिक से पुरानी या फिर गंदी कढ़ाई को भी साफ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, धन्यवाद।